पुढे चालले. जाओ जाओ. हे गाइस, अभी इनको बोला मैंने वॉल्यूम कम करो, मुझे बात करनी है. मतलब ये कुछ वीडियो देख रहे थे. एक मिनट, ऐसे ब्लर ब्लर क्यों दिख रहा है? अभी क्लियर आ रहा है. तो हाँ, ये कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कम करो वीडियोस. तो बोलते मैं बाहर निकल जाता हूँ. कम करो वीडियोस, कम करो वॉल्यूम. तो हाँ, यहाँ पर मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो फिनिश हो गई है, आप देख सकते हो. और मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, मतलब सैंडविच वगैरह खा लिया है. और हाँ, अभी मैं इसे रख देती हूँ. और थोड़ा सा अभी मैं फेस वॉश किया था सुबह सुबह, माही चली गई थी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, मतलब रिलैक्स हो गई थी मैं. अद्विक को भी इन्होंने तैयार कर दिया था, आज अद्विक को इन्होंने तैयार किया, क्योंकि इनको आज ड्यूटी नहीं जाना था, मतलब ड्यूटी नहीं, थोड़ी देर के बाद जाना है, लेट जाना है इसी वजह से. तो अद्विक को आज इन्होंने तैयार किया, फिर अद्विक को स्कूल ये लेके गए. और अभी ये आए थे तो इनको भी ब्रेकफास्ट दे दिया मैंने. आज मैंने रोटी का चूड़ा बनाया, और बहुत जल्दी जल्दी बनाया. रोटी का चूड़ा आपको पता ही होगा, रोटी को वो थोड़ा सा पीस के, जो बासी रोटियां होती है, मतलब जो रात की रोटियां बची थी, तो उसे मैंने, उसका चूड़ा बनाया मैंने. आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. ये इस तरह से होता है. एक्चुअली इसकी जो रेसिपी है मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. रोटी का बनता है ये, और शायद मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया, पता नहीं, हाँ किया है. तो अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर बताना मुझे. और बस अभी मैंने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया था, और इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. और हाँ, अभी मैं लगाती हूँ जो मैंने ग्रीन टी का सैशे रखा था यहाँ पे फ्रिज में, अभी वो फेस पर लगाती हूँ. क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो ग्रीन टी मतलब पी लेती हूँ, उसके बाद का जो सैशे बचता है उसमें, तो वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और उसके बाद फिर वो फेस पर लगा लेती हूँ इस तरह से. ये एक्चुअली ये ग्रीन टी टोनर का काम करता है, इससे टोनिंग भी होती है अच्छे से, और ये वेस्ट भी नहीं जाता, इसी वजह से मैं इसे लगाती हूँ. ये देखो, बिहारी गाने सुन रहे, इसलिए मैं इधर आ गई. कॉपीराइट की वजह से. तो बस इसी तरह से आपको इसका अप्लाई करना है, और मैं इसे वेस्ट नहीं जाने देती. हो गया. तो ये टोनिंग का भी काम करता है. थोड़ी देर के बाद फेस वॉश कर लेती हूँ, जब मुझे नहाना होता है तो ऑटोमेटिक मतलब नहा लेती हूँ उसके बाद, थोड़ी देर के बाद. तो अभी ये हो गया है, कैसे दिख रही हूँ. और हाँ, बादाम भी भिगो के नहीं रखे मैंने आज, और इन्होंने गोलगप्पे लाए थे कल, तो थोड़ा सा बच्चों ने खा लिए, और वो बच्चे है, खटाई बनाती हूँ मैं बच्चों के लिए, और खटाई के साथ बच्चे खाते हैं, वो तीखा पानी उनको पसंद नहीं, इसी वजह से. तो थोड़े से बादाम जो है वो भिगोने के लिए डाल देती हूँ, मतलब उस उधर से आने के बाद, मतलब स्कूल से आने के बाद माही भी खा लेगी और मेरे लिए भी हो जाएंगे. और हाँ, अभी नहा लेती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि काफ़ी देर से ऐसे ही. आज है गुरुवार, मैं आपको बताना भूल गई आज कौन सा डे है, और आज डेट कौन सी है, 22 शायद, 22 है आज की डेट. और लाइट भी नहीं ऑन किया था मैंने, और गुरुवार है आज. हाँ, बस ये क्लीन कर लेती हूँ. थोड़ा सा गैस का जो स्लैब है थोड़ा सा गंदा हो रखा है, तो अभी इसे क्लीन कर लेती हूँ और नहाने चली जाती हूँ तुरंत. आज इन्होंने फोटोज़ वगैरह पे हार भी चढ़ाए हैं, आज फोटोज़ के लिए हार लेके आए थे ये, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ. ये फोटो गजानन महाराज का है, गणपति का, और फिर गजानन महाराज का फोटो, और ये महालक्ष्मी का. गजानन महाराज के दो फोटो आप सोचोगे क्यों लगाए हैं, क्योंकि मतलब एक किसी ने गिफ्ट किया था, एक हमने खरीदा था, तो इसीलिए हमने पहले वो लगा के रखा था, और एक किसी ने हमें गिफ्ट किया था,
तो इसी वजह से वो भी कहाँ रखे हमें समझ में नहीं आ रहा था, और गिफ्ट किया हुआ किसी को और को देना वो भी अच्छा नहीं लगता है, और वो भी भगवान का फोटो, तो इसी वजह से हमने क्या किया वो भी लगा दिया। और बस अभी मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शेट यार, मेरे साथ ऐसे ही क्यों हो रहा है? अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश किया है। मैंने हेयर वॉश इसलिए किया है कि मुझे आज जाना था पार्लर इसके लिए, हेयर कटिंग के लिए। तो मुझे हेयर कट करना था, आप लोगों ने काफ़ी बार बोला था बट बारिश की वजह से मैं जा ही नहीं पाई, आपको तो बताया था। बट आज मुझे फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज जाऊंगी, बट आज भी बारिश हो रही है। मतलब मैं बाथरूम में थी और बारिश स्टार्ट हो गई है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी और पार्लर जाती हूँ, बट बारिश मुझे जाने नहीं देगी लग रहा है मुझे ऐसे ही। क्या कर सकते हैं, पता नहीं मेरे साथ बार बार ऐसे ही क्यों हो रहा है। मैं जब भी सोच रही हूँ हेयर कट करने का तब बारिश ही हो रही है, बारिश ही हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, मैं रेडी हो जाती हूँ। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, मैंने जो है ये हेयर वॉश डव शैम्पू से किया है। आपको तो पता ही है डव शैम्पू मैंने कब लिया था। डव शैम्पू लिया था मैंने 15-20 दिन पहले डीमार्ट से, मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, डीमार्ट से लिया था। तो 15-20 दिन पहले लिया था मैंने डव शैम्पू। और 1 मिनट, इन्होंने जो है वो कोई वीडियो लगा के रख दिया था इसमें मोबाइल में, और ऊपर चले गए ऊपर वाले रूम में, और नीचे फ़ोन था और वीडियो लगा के रख दिया था। और हाँ, मैं क्या बोलने वाली थी, ये जो हेयर वॉश है वो मैंने डव शैम्पू से किया है। मैं आपसे रिव्यू शेयर करने वाली थी इसका कि डव शैम्पू कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि डव शैम्पू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने इसे 5-6 बार यूज़ किया है, मतलब 1 1 वीक नहीं, 2 वीक हो गए। तो 15-20 दिन में मैंने 5-6 बार उसको यूज़ किया है, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और हेयर फॉल जो है मेरा, मैंने आपको बताया था कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल जो है मेरा 80% कम हो गया है इससे। और जो यूज़ करते हैं उन्हें तो पता होगा, हेयर फॉल वाला डव शैम्पू लिया था मैंने, और उससे जो है मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया है। मतलब 80% मैं आपको बता रही हूँ, 80% तक मेरा हेयर फॉल कम हो गया है उससे, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ, स्मूथ भी हो गया है, मतलब उससे स्मूथ तो हुई थी ये। मैं पहले ट्रेस्मे का शैम्पू यूज़ करती थी, वो भी काफ़ी अच्छा है, बट अभी ये डव लाया है तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो पक्का, मेरी गारंटी पे, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और स्मूथ होते हैं पूरे हेयर, मतलब एकदम ऐसे लगता है सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर लगते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। और कंडीशनर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप चाहो तो कंडीशनर यूज़ कर सकते हो, मैं करती हूँ उसके बाद कंडीशनर यूज़। और उसके बाद सीरम लगाना तो ज़रूरी होता है, तो सीरम भी अप्लाई करती हूँ। और थोड़ी थोड़ी रुक रही है बारिश, थोड़ी स्लो हो गई है बारिश, तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद अगर जाना हुआ तो मैं चली जाऊँगी। देखो इसको गाना बंद कर दिया मैंने, बंद क्यों किया बोल रहा है हम कॉपीराइट की वजह से बंद, कॉपीराइट की वजह से किया है मैंने गाना बंद किया। इन्होंने होम थिएटर पे गाना लगाया था तो मैंने गाना बंद किया, तो ये चिल्ला रहा है क्यों गाना बंद कर दिया, क्यों गाना बंद कर दिया। हाँ, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। और हाँ, अभी बैठी हूँ। हाँ, थोड़ा सा बारिश भी कम हो गई है, मतलब ऐसा समझो रुकी गई है बारिश। तो अभी देखती हूँ क्या है। फुटाने 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 क्या भाई, बोलो क्या चाहिए। फुटाने फूटाने चने, चने नहीं, कौन सा, हाँ फूटाने फूटाने चाहिए बोल रहा है। तो अभी थोड़ी देर में जाती हूँ। और हाँ, मेरी ग्रीन चटनी भी ख़त्म हो गई है, तो ग्रीन चटनी बनाती हूँ अभी। जो सैंडविच के ब्रेड पर लगाते हैं वो अभी बनाती हूँ, और चलिए फिर रेसिपी शेयर करती हूँ आपसे भी। तो चलिए किचन में चलते हैं और ग्रीन चटनी बनाते हैं। ग्रीन चटनी बनाते मी, ग्रीन चटनी। हाँ,
ग्रीन चटनी बनाने तो वाली हूँ, बट उसके लिए सबसे पहले मुझे धनिया बोल रही हूँ, ये क्या बोलते हैं उसे, पुदीना पत्ता तोड़ के लाना पड़ेगा। तो पुदीना पत्ता जो है वो मैंने अपने गार्डन में ही लगा के रखा है, तो वही तोड़ती हूँ अभी। और चलिए फिर देखिए, यहाँ पे है पुदीना पत्ता, ये वाला जो पेड़ है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसे, फूल का, उसके नीचे ही मैंने जस्ट पुदीना पत्ता लगाया हुआ है, और देखिए कितना अच्छा पुदीना पत्ता निकला है। तो ये देखिए तोड़ लिया है मैंने पुदीना पत्ता, अभी चलते हैं घर में और बनाते हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पुदीना पत्ता, दूसरा ये लिया है मैंने धनिया पत्ता, फिर लिया है मैंने कुछ ग्रीन चिलीज, यानी कि ये क्या बोलते हैं मिर्च, हरी मिर्च, और फिर लिया है मैंने ये लहसुन, और फिर लिए थोड़े से अदरक के पीस। तो अभी मैं मिक्सी के जार में इसे डाल देती हूँ और हम लोग इसे पीस लेंगे। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से धो लेना है, मतलब ये पत्तों को, और फिर मैंने ये मिक्सी के पॉट में डाल दिया है, और अभी इसका ढक्कन बंद करती हूँ और इसे मिक्सी में बारीक कर लेती हूँ। और हाँ, इसमें आपको ऐड करना है नींबू का जूस और थोड़ा सा जीरा पाउडर, मतलब जीरा सॉरी, तो वो ऐड करना है, और थोड़ा नमक ऐड करना है बस, और इसे अच्छे से पीस लेना है। सो गाइस, रेडी हो गई है हमारी ग्रीन चटनी, और आप देखिए कलर कितना अच्छा सा आया है। इसे ग्रीन चटनी खानी है आपको, रुकिए सैंडविच बना के देती हूँ मैं। तैयार हो गए हो? ओके, सैंडविच बना के दे देती हूँ आपको। ग्रीन चटनी खानी है? तीखी है वो? सैंडविच बन गया है, आप देख सकते हो, और अभी मैं इसे फिनिश कर देती हूँ और बाद में मिलती हूँ आपसे। ग्रीन चटनी की वजह से काफी ज्यादा टेस्टी हो जाता है ये। आपको खाना है? खाओ। सो गाइस, अजय को तीखा लग गया। सो आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो हेल्दी सैंडविच की, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अद्विक के लिए चटनी थोड़ी सी तीखी हो गई है। माही, माही आप मेरे साथ पार्लर चलोगी? पार्लर चलोगी मेरे साथ? ठीक है बोल रही है। तो चलिए अभी मैं, एक मिनट, अद्विक और पानी के लिए रो रहा है, पता नहीं उसके लिए थोड़ी सी तीखी हो गई है चटनी।
एक देती हूँ। तो माही को लेके जाती हूँ अभी, और हेयर जो है ड्राई हो चुके हैं, कैसे घास जैसे लग रहे हैं। मैंने जो है पहले क्या किया था, मैंने ऑम्ब्रे हेयर कलर किया था, रेड वाला। तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये रेड है, रेड था तो ऑम्ब्रे किया था, तो इसी वजह से वो ऐसे हो गया है। और रेड वाला कलर जो है बहुत जल्दी निकल जाता है, थोड़ा गोल्डन वगैरह करो तो इतना नहीं जल्दी निकलता, मतलब वो तो हमेशा के लिए रहता है, बट ये जो है क्या बोलते हैं इसे, रेड वाला, तो 1-2 महीने में ही निकल गया, फालतू में मेरे पैसे वेस्ट हो गए थे। तो चलिए फिर अभी जाते हैं पार्लर, रेडी हो जाती हूँ सबसे पहले तो। सो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं हेयर कट के लिए, और मैंने वही टॉप पहन लिया, और इसके नीचे जो है मैंने ब्लैक जीन्स पहन लिया है, और यहाँ पर मैडम मटक रही है, देखो आओ, बेबी मिस्ट लगा रही है मैडम, बेबी मिस्ट लगा रही है, लगाओ कौन सा है वो। बाउंसी ब्लैक करंट। अच्छा, बॉन्सी ब्लैक करंट का काफी अच्छी खुशबू आती है इससे। ये जब भी लगाती है ये वाले परफ्यूम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं, चलो माही जल्दी करो बेटा, जा रहे हो क्या? ठीक है जाओ बाय। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, और हाँ मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बारिश की वजह से, इसी वजह से ये छोड़ने आ गए मुझे, और अभी जो है हम लोग पहुंच गए, तो मैं जाती हूँ उस पार्लर के अंदर। Changes.
चलो मिलते हैं घर जाके। सो गाइस, आपको कैसी लगी मेरी न्यू हेयर कट? अरे हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और माही, आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। माही को तो सच में अच्छी लगे। और हाँ, ब्लो ड्राइंग की वजह से ना इतना मतलब स्ट्रेट लगता है। देखो, हर स्ट्रेटनिंग चली जाती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। स्ट्रेट रहते हैं हेयर तो देखो। ओहो बगा, स्ट्रेट। आपको कैसी लगी मेरी हेयर कट बताइए मुझे। ये बाल हेयर कट देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई गाना वाना गाने को मन। नहीं, गाओ गाओ, नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। बोल रहे गाना गाने का मन कर रहा है। वैसे भी जब मैं घर के अंदर आई तो गाना गा रहे थे। कौन सा, तारीफ करूं क्या उसकी? नहीं, क्या बोलते उसको? क्या? नहीं, क्या कौन सा गाना है? हाँ, ये झील सी नीली आंखें कोई राज में गह रहा है। हाँ, हेयर कट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मैं बार बार अपने बालों को ही देख रही हूँ। और हाँ, मैंने उनको स्मूथनिंग के लिए पूछा है, उन्होंने मुझे सारा कुछ स्मूथनिंग का बता दिया। बट सोच रही हूँ स्मूथनिंग करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेट हेयर इतने ज्यादा पसंद है ना, मतलब आपको क्या बताऊँ। स्ट्रेट हेयर ऐसे ही रहने चाहिए मेरे हेयर हमेशा के लिए। और देखो माही, कितने लंबे लग रहा है इसकी वजह से। स्ट्रेटनिंग जलन हो रही है आपको? देखो, इसको जलन हो रही है। इसके हेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे उस दिन, जिस दिन इसने हेयर कट किया था उस दिन। और मुझे जलन हो रही थी क्या उस टाइम? अभी आपको कैसे जलन हो रही है? बट ये हेयर वॉश करने के बाद चले जाएंगे। उनकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब वो ब्लो ड्राइंग करते हैं ना, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं वो। ब्रश से आपने देख ही लिया है, ब्रश से वो करते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं और ब्रश ऐसे करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छे से उससे होता है। मैं बार बार अपने बालों को ही देख रही हूँ। और आपको मैंने दिखाया था उस टाइम जब मैं गई, तो उस टाइम कैसे हो गए थे मेरे बाल, एकदम घास फूस। और अभी देखो। और हाँ, आपको ये मेरा न्यू लुक कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, सॉरी। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पसंद आए तो। और हाँ, आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ एंड मेकअप एंड ब्यूटी रिलेटेड टिप्स के वीडियोज़ डालती हूँ, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आए तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। और हाँ, मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।